दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। ये कुर्ती बोट नेक में कटिंग होगा, ठीक है, और शरीर के मेजरमेंट से हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। कटिंग होता है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका लंबाई है 40 इंच का, तो 40 इंच ऐसे नाप लेंगे इसको, ठीक है, जहां पर 40 है वहां पर मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद से हम मार्किंग करेंगे, यहां से कमर का लेंथ है 13 इंच, तो हम करेंगे 13.5 इंच पे, और फिर शोल्डर से ही ऊपर से जहां पे साइड कट आएगा हमारा, वहां पर है हमारा 20 इंच का, तो यहां करेंगे 20.5 का, ठीक है। आधा आधा इंच बढ़ाना है, कमर में बढ़ाना है, समझिए 13 है तो 13.5 लेना है, और यहाँ 20 पे कट तो लेना है आधा इंच नीचे 20.5 पे, ठीक है। और इसका आर्महोल जो है वो है 14.5 इंच का, तो हम यहां मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। ये हमारा है शोल्डर का मार्किंग, और ये हमारा है चेस्ट और आर्महोल का मार्किंग, ये हमारा है कमर का, और ये है साइड कट और हिप का, ठीक। और इसमें हमको करना है बोट नेक, तो बोट नेक का जो चौड़ाई रहता है वो हम रखते हैं 4.5 इंच पर, ठीक। मार्किंग कर दिया, इधर भी 4.5 पर मार्किंग कर देंगे। और इसका शोल्डर जो है इसका 13.5 का है, तो 13.5 का आधा होगा 6.5 इंच 200, यहां पर मार्किंग कर देंगे, और सेम इतना ही इधर भी कर देंगे। अब देखिए अपर चेस्ट जो है वो है 30.5 इंच का, इसमें हम लोगों को लूजिंग रखना है सिर्फ 3 इंच का, ठीक। तो 30 3 33 साढ़े तैतीस का चौथा भाग लेना है, यहां पर 8 इंच 3 सूत इसका आएगा, ठीक है। तो मार्किंग कर देना है यहां पर। कमर रहेगा हमारा 24.5 का, तो 24.5 का कमर है, इसमें हम लोगों को प्लस करना है 3 इंच, ठीक। तो 24 25 26 27 और आधे इंच उसमें 27.5 होगा, ठीक है। तो 27.5 का चौथा भाग हम लोग आएगा यहाँ पे 6.5 इंच 3 सूत, यानी 7 इंच में 1 सूत कम, मार्किंग कर देना है। और हिप आएगा हमारा 31 का हिप है, तो उसमें करना है प्लस 1 इंच, तो 31 और 1 32 हो जाएगा, तो 32 का चौथा भाग आएगा हमारा 8 इंच, 8 चौके 32, 8 पे मार्किंग कर देना है। और जो यहाँ पे हमारा घेर रहेगा नीचे का, वो घेर हमारा रहेगा 17 इंच का, तो 17 का आधा होता है 8.5 इंच, चौथा भाग होगा 8.5 इंच, ठीक है। मार्किंग अब कर दिया हूं, अब इस पट्टी से सीधा लाइन खींचना है, इधर भी सीधा खींचना है, और यहां पर भी, और कमर से आकर हिप में मिल जाएंगे, इसके बाद से डायरेक्ट हिप से नीचे मिलना साइड कट में, ये देखिए ऐसा। और फोल्ड करने के लिए जितना फोल्ड करना आपको उतना अपने हिसाब से आप लोग रख लें, मुझे जितना रखना है उतना मैं रख रहा हूँ, ये हमने रखा हूँ 1.5 इंच का, ठीक। अब यहां से शोल्डर हल्का सा बोट नेक में शोल्डर जो है सिर्फ आधा इंच डाउन होता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा यहां पर आधा इंच डाउन हो गया है, और फिर इसको भी देखेंगे ऐसे कर लेंगे। ये रहा गोलाई हमारा आर्महोल का, तो हमारा आर्महोल कितना है 14.5 का है, तो 14.5 का आधा कितना होगा 7 इंच 2 सूत होगा, तो 7 इंच 2 सूत ऐसे नाप के लिखने आ रहा है क्या, तो हमारा 7.5 का आ रहा है, 2 सूत बड़ा हो रहा है, तो इसको हल्का से ऊपर कर देंगे आधा इंच यहीं से, ठीक। और फिर से गोलाई देंगे ऐसे, ये देखिए ये हमारा आ गया है, परफेक्ट आ गया है, यहां से हमारा साइड कट आएगा। ये जो कस्टमर है बहुत ही पतली है, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेंगे, सीधा ऐसे आएंगे और यहां से इधर, और ये आर्महोल कट कर लेंगे, और यहां से इसको
मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है यहाँ पे ऐसे। ये देखिए ये हमारा कट हो गया है पूरा। यहाँ पर चरखा लगा लेंगे, साइड कट का, कमर का और यहाँ पर आर्म होल का, ठीक। और यहाँ पर गले की चौड़ाई का चटका लगाना है। अब सामने वाले पल्ले में हम लोगों को गोलाई देना होता है, गहराई मतलब सामने पल्ले की गहराई। तो इस गहराई की गोलाई कैसे देना है ये भी सीख लेते हैं। यहीं से एक इंच अंदर मार्जिन ले लेंगे, वो ले लेंगे, एक लाइन मार लेंगे, एक इंच मार्जिन, एक इंच जो है इधर अंदर लाइन मारना है और ऐसे उसको गोलाई देना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए गोलाई हो गया ऐसे, और इस गोलाई को कट कर लेना है। ये देखिए ठीक, ये देखिए ये गोलाई हो गया। और इसके बाद क्या करना है, ये लेना है और यहीं से मार्किंग कर देना है पूरा। मार्किंग करने से चारों पल्ले पे मार्किंग आ जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब हम लोग गला कट करेंगे इसका। ऊपर से गला हम काटेंगे 3.5 इंच पर, यहां से नापा है 3.5 इंच पे। एक सीधा ऐसे लाइन मार लेना है, अब यहीं से हल्का सा ये देखिए ये बोट नेक का जो है ये गोलाई हो गया है। अब इसको कट कर लेंगे, ये गोल गला नहीं है, ये बोट नेक है। ये देखिए ऐसे कटता है ऐसे, ठीक है। अब पीछे वाला जो बाजू है 1 इंच ऊपर से कट करेंगे, यहां से 1 इंच ऊपर ले लेंगे, ठीक है। इसको भी ऐसे कट कर लेंगे, ठीक। अब इसके बैक साइड में डार्ट कैसे लगाते हैं वो भी सीख लेते हैं। डार्ट लगाने के लिए इसके सेंटर से मार्किंग करेंगे, ठीक। इसका नाप लेंगे कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, बीच में आएगा 3.5। ये मार्किंग करके सीधा लाइन ले लेना है और यहीं से सेंटर से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा डार्ट हो गया। तो डार्ट लगाने के तरीका बहुत सारे होते हैं, हर कटिंग में थोड़ा सा आपको अलग अलग बताता हूं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है डार्ट लगाने का, ये भी एक परफेक्ट तरीका है और अच्छा तरीका है, उससे फिटिंग अच्छा आता है। देखिए डार्ट भी लग गया हमारा, और अब यहां से इसका जो है, अभी तो अस्तर था, इसका मेन जो कपड़ा है वो भी कट करना सीखेंगे। ये देखिए ये है मेन कपड़ा इसका। इस मेन कपड़े को चलिए काटते हैं। पहले जो है इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, फिर आपको कटिंग सिखाते हैं कैसे करना चाहिए। मैंने इसको प्रेस कर लिया है और अच्छे से इसको यहां पर बिछा दिया है, ठीक है। अब इस अस्तर को इसके ऊपर जो है ऐसे रख देंगे, ठीक। और रखने के बाद इस साइड में देख लेंगे, एक ऊपर एक अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद से हम इसको कट कर लेंगे, यहां साइड से चारों तरफ से आधा आधा इंच बढ़ाकर एक्स्ट्रा कट करेंगे। देखिए कैसे कट करते हैं, यहां तो बराबर काटना है, यहां पर आधा इंच बढ़ाना है। देखिए यहां से मैं कैसे बढ़ा रहा हूं आधा इंच, अब ऐसे ही है साइड से भी ऐसे बढ़ाकर कट करना है, एकदम सीधा कट कर देना है आपको। ये देखिए ऐसे काटना है, क्योंकि हम अस्तर में अटैच करते हैं, तो अटैच करने के बाद इसको हम लोग जो बढ़ेगा वो कट कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे से फोल्ड करने के लिए हम लोग ऐसे काट लेंगे, छोड़कर काटना है, और हल्का से यहाँ पर हल्का सा गोलाई देना है, ठीक है। इधर से भी गोलाई,
दे देना है। ये देखिए अभी हमारा कुर्ती कटकर रेडी हो चुका है। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। ठीक, कुछ पूछने तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।